आदाब नमस्कार, नजरबा देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जैनब आई। देखे आज की मुख्य खबरें। एनबीडी नजरबा देखो न्यूज के पत्रकार सिकंदर राणा ने प्रवासी मजदूरों को किया खाना वितरण। नजरबा देखो न्यूज से सिकंदर राणा के साथ सलीम अहमद की खास रिपोर्ट। नमस्कार, नजर पर देखो से मैं सिकंदर राणा और आज हम लोग मौजूद हैं झबरेड़ा के पास। मंगलौर एक कस्बा है उत्तराखंड में। ये हम लोग आए हैं यहाँ, ये प्रवासी मजदूर आ रहे हैं लुधियाना से। कुछ प्रवासी मजदूर हमने देखा कि रास्ते में इन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जबकि ये पैदल चल कर आ रहे हैं। तो इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी हमने खूब की है चैनल के माध्यम से। सभी को पार्सल दिया जा रहा है और ये देख सकते हैं कि मतलब ये बेचारे मतलब मजदूर लोग हैं और अम्बाला लुधियाना से चले आ रहे हैं। रास्ते में इनकी इसी तरह से ग्राम के लोग जो है सेवा कर रहे हैं और जो जिस तरह से हो रहा है इस तरह से इनकी सेवा कर रहे हैं। मैं दिखाना चाहता हूं आपको ये दृश्य कि ये इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मंगलौर हाईवे के पास। एक झबरेड़ा है, झबरेड़ा से क्रॉस होकर हम लोग मंगलौर की तरफ प्रवास कर रहे हैं और ये वो प्रवासी मजदूर हैं जो यहाँ से निकल के जा रहे हैं। किसी एक मजदूर भाई से हम बात करेंगे। मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी इस वक्त वितरण में लगे हुए हैं वो कैमरा संभालें और मैं एक आध से पूछना चाहता हूँ कि ये कहाँ से आ रहे हैं। सबसे पहले आप थोड़ा सा कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? आ रहे हैं जलंधर से। जलंधर से आ रहे हैं? अरे इतनी दूर से पैदल आ रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, रास्ते में बड़ी कठिनाई होती होगी चलने में क्योंकि पाँव दर्द करते होंगे। पूरे छाला पड़ गया है। अच्छा, लोग आपकी मदद कर रहे हैं? कोई नहीं मदद कर रहे हैं बस। अच्छा, समस्या ज़्यादातर किस चीज़ की है? सारी चीज़ का ही उठवा है, गाड़ी और साधन का। अच्छा, आपने तो खूब सारा वजन भी अपने सर पर रखा है। सर जब नहीं साधन है तो रखना पड़ेगा, हम लोग का मजबूरी है, अब जाना पड़ेगा। अच्छा, बारी बारी आप लोग अपना वजन बांट लेते हैं? नहीं जी, जो जिसका है वही उठाएगा। भाई ये तो नाइंसाफ़ी है, जिसका वजन है वही उठाएगा। आप लोग भी तो बिना वजन के घूम रहे, थोड़ा थोड़ा बांट लिया करो। जो जिसके पास है वो तो अपना अपना लिए ना, किसी को सबका अपना अपना सामान है। अच्छा, मतलब आप सब लुधियाना से आ रहे हैं? हाँ, लुधियाना से आ रहे हैं सर। क्या किसी फैक्ट्री में थे वहाँ? हाँ, फैक्ट्री में कारखाने में काम करते थे। अच्छा, रहने वाले कहाँ के आप लोग? हम लोग गोरखपुर के रहने वाले। तो ये रास्ता जाएगा गोरखपुर जहाँ से आप उत्तराखंड से जा रहे हैं? नहीं, उत्तराखंड ये तो उत्तराखंड लक्सर से होते हुए जाएंगे ऐसे पैदल ही। लक्सर से होते हुए ऐसे हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, आपने किसी से पूछा है कि कौन सा रास्ता कहाँ जाएगा? ऐसे पूछते हैं, फोन में मैप में देखते चले आ रहे हैं सर। अच्छा, मैप की मदद से, बहुत अच्छी बात है, मैप की मदद से आप लोग जा रहे हैं। प्रवासी मजदूर, हमारे देश के मजदूर भाई जो कि एक लंबा सफ़र तय कर कर आ रहे हैं। मैं बहुत अंदर से बहुत दुखी हूँ ये सब मंजर देख कर और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगा कि जल्द से जल्द देश के हालात ठीक हों और ये सभी जो जहाँ जहाँ हैं देश के कोने कोने में वो सब अपने अपने घर जाएँ। कैमरामैन जावेद अली के साथ सिकंदर राणा, एनबीडी न्यूज़ सहारनपुर।